प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ गांव गुंची में तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार को लेकर उत्तराखंड वासियों में टकटकी बनी हुई है। उन्होंने कहा है कि जब भी पीएम राज्य में पहुँचते हैं तो कुछ न कुछ उपहार स्वरूप दे के जाते हैं। हाल ही में राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस से नवाजा गया है। उम्मीद है कि अब जब प्रधानमंत्री इस बार भी आएंगे तो कुछ सौगात उत्तराखंड को जरूर देकर जाएंगे। सीएम ने कहा है कि पीएम का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के देश में 51 जगह पर रैली होनी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी पीएम का दौरा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी चूंकि देश भर के अंदर उनके कार्यक्रम होने हैं, उस कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तराखंड वासियों को भी हमेशा उनका इंतजार रहता है कि वो उत्तराखंड आए और यहाँ की भूमि से उनका विशेष लगाव है और उसके कारण से वो जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उत्तराखंड को सौगात देकर गए हैं। अभी हमको वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, उन्होंने 9 रत्न दिए हैं विकास के। निश्चित रूप से इन सब के कारण से हर उत्तराखंड वासी उनका इंतजार करता है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों से मिलेंगे भी और आगे के कार्यक्रमों को भी बढ़ाने का जो है उनका आह्वान रहता है हमेशा।